डॉक्टर YS परमार मेडिकल कॉलेज नाहन में आने वाले मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। लोगों को यहां अब सीटी स्कैन की भी सुविधा मिल पाएगी। मेडिकल कॉलेज में पिछले करीब एक साल से सीटी स्कैन नहीं हो पा रहे थे। डॉक्टर YS परमार मेडिकल कॉलेज नाहन में आने वाले समय में मरीजों को अब सीटी स्कैन की सुविधा के लिए नहीं भटकना पड़ेगा। दरअसल यहां लंबे अंतराल के बाद सीटी स्कैन की सुविधा शुरू हो गई है। मेडिकल कॉलेज में पिछले करीब एक साल से सीटी स्कैन नहीं हो पा रहे थे, जिस कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। रेडियोलॉजिस्ट विभाग अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि टेक्नीशियन की कमी के कारण यहाँ सीटी स्कैन नहीं हो पा रहे थे, मगर अब सीटी स्कैन उपलब्ध होने के बाद यहाँ सीटी स्कैन सुविधा शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि इससे पहले मरीजों को यहाँ से चंडीगढ़ सोलन पांवटा साहिब रेफर करना पड़ता था, मगर अब यहाँ लोगों को 24 घंटे सीटी स्कैन की सुविधा मिल पाएगी। दिनेश शर्मा ने कहा कि मेडिकल कॉलेज में सस्ते दामों पर सीटी स्कैन सुविधा दी जाएगी, जबकि आयुष्मान भारत और सिम केयर कार्ड धारकों के लिए यह सुविधा मुफ्त में प्रदान की जा रही है। उनसे किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं वसूला जाएगा। देखिए, सीटी स्कैन हमारे यहाँ पे पिछले साल तक होता रहा और हम 24 घंटे की सुविधाएं देते थे। यहाँ मेरे पास जो रेडियोग्राफर्स नौकरी कर रहे थे वो आउटसोर्स पे थे और किसी कारणवश वो नौकरी छोड़ के चली गई। उनके जाने के बाद मेरे पास एक वर्ष से कोई सीटी स्कैन का टेक्नीशियन था नहीं, और बहुत स्तर पे प्रयास हुए कि यहाँ सीटी स्कैन के टेक्नीशियन हम अपॉइंट करें, उनको लाएँ, और उसे हमारा जो ये सीटी स्कैन की जो एक बुनियादी सुविधा देने का जो था, जो हम एक साल से दे नहीं पा रहे थे, ये चले। आज सौभाग्यवश हमारे को पिछले कल ही हमारे पास एक सीटी स्कैन की टेक्नीशियन ने ज्वाइन कर लिया और अब जो है सुचारू रूप से ये हमारी सीटी स्कैन की मशीन चलेगी, और जो भी लोग यहाँ से हम रेफर हो रहे थे डिफरेंट जगहों के लिए, पांवटा भेजने पड़ते थे या लोग चंडीगढ़ जाते थे, तो जो भी इस मशीन पर संभव होगा वो इस मशीन पर हम रेगुलरली जो है निरंतर 24 घंटे की एमरजेंसी सर्विसेज के साथ जो है सुविधा देंगे। देखिए, हम ये पिछले वर्ष तक हम जो रूटीन के पेशेंट्स थे, लगभग हम 15 पेशेंट जो है रूटीन में करते थे, और एमरजेंसी का डिपेंड करता है कि उसमें जो भी एमरजेंसी आती थी वो हम 24 घंटे की एमरजेंसी सुविधा दे रहे थे। प्राइवेट में देखिए, अब ये डिफरेंट रेट्स होंगे, मुझे ज़्यादा इसमें ज्ञात नहीं है, परंतु कम से कम एक सीटी स्कैन अगर हेड का भी लें तो 1000 रुपये से कम तो कोई करता नहीं होगा। और फिर साथ में क्या रहता है कि कई बार उसको ज़रूरत थी भी कि नहीं थी, और वो दूर जाके सीटी स्कैन करा रहा है तो उनको महंगे रेट पे ये कराना पड़ेगा। साथ में जो उनको आने जाने का जो उनका अपना खर्चा रहता है, उसमें भी लोगों का जो है वो पैसा तो उसमें लगता ही था, परंतु अब हमारी ये सुविधा शुरू होगी है, हमारे रेडियोग्राफर ने ज्वाइन कर लिया, एक सीटी स्कैन टेक्नीशियन ने, तो अब ये सुविधा ये रूटीन में चलेगी। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल के पहले 24 घंटे के डिजिटल टीवी का भव्य शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर के कर कमलों से। लाइफ टाइम्स टीवी, हिमाचल का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला डिजिटल टीवी चैनल। www.lifetimes.tv। लाइफ टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना